नित्यानंद राय को खुलेआम तेजस्वी यादव ने धमका दिया था। अब इसको लेकर के बीजेपी के नेता राम सूरत राय ने कहा है तेजस्वी यादव को होश में रहना चाहिए वरना जनता उनको बेहोश कर देगी। पूरा बयान सुनिए राम सूरत राय का। वाला खुद समाप्त हो जाएगा। बिहार की जनता और यादव समाज इस बात को समझ रही है कि दूसरे किसी यादव को ये देखना नहीं चाहते हैं। जिस तरह से हम पर वार किए थे, आज नित्यानंद को जिस यादव से लगता है कि खतरा है उस यादव को टारगेट करते हैं और धमकी देते हैं। ये तो गुंडागर्दी एक्ट पर केस होना चाहिए। धमकी देते हैं जो CBI, CID, इनकम टैक्स के जो लोग हैं, क्या रिटायर नहीं होंगे? क्या उनको बिहार में नहीं रहना है? क्या आपके बच्चे बिहार में नहीं रहते हैं? तो क्या वो किडनैपिंग उद्योग फिर खोलना चाहते हैं? ये उनके लहजे से आप समझ सकते हैं वो गुंडागर्दी राज फिर लाना चाहते हैं। ये माननीय डिप्टी CM को मैं कहना चाहूँगा कि आप होश में रहिए, जनता बेहोश कर देगी आपको। बंगला चौराहे पे बुरी तरह पीटा गया था, 48 घंटे का समय दिया गया था। समय पूरा हो जाने के बाद उसमें फिर 5 दिन की ये महागठबंधन के सरकार में मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं। तेजस्वी यादव जी ये समझ रहा है कि मुख्यमंत्री हम हो गए हैं। जिस तरह से मीडिया में उन्होंने बयान दिया था और लीड दे रहे थे, वो लीड उनका समाप्त हो गया। और अभी आप लोग घबराइए नहीं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, चेहरा मुख्यमंत्री का नहीं बदला है और सारे अधिकारी नहीं बदले हैं। सिर्फ 16 और 18 नए मंत्री बने हैं, चेहरा डिप्टी CM का बना है। डिप्टी CM के बूते की बाहर की बात है। अगर उनमें ताकत है तो जिस दिन घटना घटी थी उसी दिन उनको निलंबित कर देना चाहिए और जाँच होते रहना चाहिए। मैं भी एक मंत्री विभाग का था और मैं अपने तमाम कमिश्नरी की बैठक करता था, तो मुझे लगता था कि ये व्यक्ति गलत किया है। हाथों हाथ ऑन स्पॉट जनता के काम के न करने के कारण मैं वहाँ निलंबित करता था, फिर विभागीय कार्रवाई चलती थी। ये तो संपोषित व्यक्ति है, इसको कोई हटा नहीं सकता है। और 5 दिन के बाद फिर 5 दिन का टाइम ले जाए, चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। ये चेहरा बदला है, मुखौटा बदला है, ओरिजिनल मुख्यमंत्री तो ओरिजिनल मुख्यमंत्री है ही है। आपने राम सूरत राय को सुना जिन्होंने साफ तौर पर तेजस्वी यादव को निशाना बनाते हुए कहा है कि होश में रहा करे तेजस्वी यादव। जिस तरीके से उन्होंने खुलेआम नित्यानंद राय को धमकाया है, यादव समाज देख रहा है। आने वाले समय में हिसाब भी उनका हो जाएगा। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ।